घुम जोरबंग्लो महाविद्यालय में युवा संसद कार्यक्रम संपन्न। केटीवी समाचार का सरप्राइजर ओसीएस कालिम्पोङ, वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर स्टडी अब्रॉड, मोटर स्टैंड कालिम्पोङ, हिमालयन शॉपिंग, टेंथ माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ, नॉर्थ बंगाल को आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन, डीपीएमआई सिलीगुड़ी इंडिया लीडिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, कैपिटल यूनिवर्सिटी जोरथांग साउथ सिक्किम। Admission open for the session 2024-25. घुम जोरबंग्लो महाविद्यालयको राजनीति शास्त्र विभागको आयोजनामा युवा संसद कार्यक्रम अर्थात् युथ पार्लियामेन्ट आयोजना गरियो। उक्त कार्यक्रम घुम जोरबंग्लो महाविद्यालयका प्राचार्य विनय गजमेरको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो भने निर्णायकका रूपमा डाक्टर महेश दाहाल अनि महाविद्यालयका संयोजक एवं प्राध्यापिका हिमाञ्जली तामाङ आसिन थिए। कार्यक्रमका आयोजक विभागीय प्रमुख अञ्जुला छेत्री, प्राध्यापक पुबुवाङ्दी भुटिया, प्राध्यापक अभिनय राई, प्राध्यापिका प्रशनिका तामाङ थिए। युवा संसद कार्यक्रम अथवा युथ पार्लियामेन्टमा नेसनल एडुकेशन पोलिसी, अग्निवीर, ड्रग्स रोकथाम, मिनिमम वेजेस जस्ता विषयहरूलाई प्रकाश पार्दै जानकारीमूलक कार्यक्रम प्रस्तुत गरियो। यस कार्यक्रममा घुम बाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, घुम कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लगायत रुइया अंग्रेजी स्कूलबाट प्रतिनिधि शिक्षक अनि विद्यार्थीहरू उपस्थित थिए। प्रतिभागी विद्यार्थीहरूले जल्दाबल्दा सामाजिक विषयको उठान गर्दै तीबारे चर्चा गरे। सामाजिक, राजनैतिक एवं शैक्षिक विषय उठाइएको यस कार्यक्रममा सुजन राई अनि मेरिना लेप्चालाई सर्वोत्कृष्ट प्रस्तुताको उपाधि प्रदान गरियो। जो देशवासियोका मुझ पे और मेरी सरकार पर भरोसा है, ये विपक्ष के दायरे से बाहर है, दायरे से ज्यादा इनकी समझ से बाहर है। महोदय, जो ये नया शिक्षा नीति और जिसे हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं, ये सिर्फ सरकार ने नहीं बनाया, इसको बनाने में हमारे देश के युवक, हमारे टीचर और हमारे विद्यार्थियों का भी हाथ है। क्योंकि देश के युवक के बिना हमारी सरकार भी अधूरी है। महोदय, अभी जो विपक्ष में से जो प्रश्न आया है, आपकी अनुमति लेकर उसका जवाब देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, नया शिक्षा नीति भारत के लिए एक नया लक्ष्य है। नया शिक्षा नीति भारत के नए फाउंडेशन को भी तैयार करने वाली है। महोदय, ये कोई साधारण सा नीति नहीं जो एक ही पल में लागू किया जा सकता है। आप सभी को तो याद ही होगा, बीते कुछ वर्ष पहले पूरे भारत में नोटबंदी हुई थी। हाँ, ये समय कठिन रहा था, लोगों को परेशानी भी हुई थी, लेकिन परिवर्तन को आसानी इस नया शिक्षा नीति से देश के पूरे विद्यार्थियों का नया एजुकेशन पॉलिसी का बदलाव आएगा। हमारे युवक को जिस तरह की शिक्षा, जिस तरह की स्किल्स चाहिए, नया शिक्षा नीति का उस पर पूरा ध्यान है। और इतना ही नहीं, इस नीति को बनाने के लिए भारत के लगभग सभी कोनों में से भी राय दिया गया। महोदय, नया शिक्षा नीति अभी तक का सबसे अच्छा बदलाव भी माना जा सकता है। नया शिक्षा नीति भारत के कई राज्यों जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में तो लागू भी हो चुका है। अब आने वाले साल 2030 तक हमारी सरकार इस नीति को पूरे भारत में संपूर्ण रूप से लागू करेगी और यह हमारे